14,000 में Realme 10 आ चुका है, Realme के तरफ से एक अच्छा स्मार्टफोन है। लेकिन 12,000 में इससे भी बढ़िया स्मार्टफोन बैठा है, Tecno Pova 4। आज इस वीडियो में दोनों फोन के बीच डिटेल कंपैरिजन करूंगा और मैं आप लोगों को बताऊंगा दोनों फोन में से कौन सा फोन बेस्ट है या कौन सा फोन आप लोगों को खरीदना चाहिए, चाहे वो बैटरी के दिख से या परफॉर्मेंस के दिख से या कैमरा के दिख से। हर एक सिचुएशन में कंपेयर करके मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। सबसे पहले डिजाइन के बारे में बात करते हैं। Tecno Pova 4 का जो डिजाइन वो थोड़ा सा अलग डिजाइन है, यूनिक डिजाइन है, गेमिंग डिजाइन देने का कोशिश किया है। मेरे पास ब्लू कलर है और ये जो लाइट बैकग्राउंड ब्लिंक कर रहा है ना, सच में देखने में ऐसा लगता है कि लाइट बैकग्राउंड लगाया गया है और गेमिंग डिजाइन है। स्लाइटली बड़ा फोन है, अगर आपके हाथ थोड़ा छोटा है तो अनकंफर्टेबल फील दे सकता है, लेकिन यूजेस के हिसाब से आप कंफर्टेबल हो जाओगे। इसका जो कैमरा का मॉड्यूल है वो काफी अच्छा है और बैक साइड में पॉलीकार्बोनेट का बिल्ड क्वालिटी दिया है, तो उसके वजह से हाथों का निशान या क्रैचेस वगैरह थोड़ा बहुत आ जाता है। Realme 10 में बैकसाइड की तरफ ग्लॉसी पैनल देखने को मिलता है, यहाँ पे भी बैकसाइड में पॉलीकार्बोनेट है, हाथों का निशान क्रैचेस वगैरह आ तो जाता है, लेकिन मेरे पास जो कलर है उसके वजह से हाथों का निशान या क्रैचेस वगैरह उतना पता नहीं चलता है। अगर आपके पास ब्लैक कलर रहेगा तो उसमें भर भर के क्रैचेस वगैरह आएगा। Realme के फोन में जो कैमरा का मॉड्यूल है ना, ये बहुत पुराना हो चुका है। Realme बहुत दिन पहले से ऐसा कैमरा मॉड्यूल लेकर आ रहा है, तो Realme को यहाँ पे डिजाइन में स्लाइटली चेंजेस लेकर आना चाहिए। और ये फोन फ्लैट एजेस के साथ आता है, लाइट वेट फोन है, यूज करने में मजा आता है हल्का और कंफर्टेबल के वजह से। डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। Tecno Pova 4 में 6.82 इंच का HD प्लस IPS डिस्प्ले यहाँ पे देखने को मिलता है। AMOLED डिस्प्ले तो छोड़ो, फुल HD भी नहीं दिया है। HD के साथ आप लोगों को कंफर्टेबल रहना पड़ेगा। और इस फोन में यही एक कमियां है, मल्टीमीडिया वगैरह अगर आप ज्यादा कंज्यूम करते हो शायद ये फोन आप लोगों को मजा नहीं दे पाएगा HD प्लस डिस्प्ले के वजह से। तो मल्टीमीडिया देखने के लिए आप लोगों के पास Realme का ऑप्शन है। लेकिन Tecno के फोन में 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है, यूज करने में थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है। आउटडोर में भी इस फोन को मैंने यूज किया था, आउटडोर ब्राइटनेस काफी अच्छा है, कड़ी धूप में भी अगर आप यूज करोगे दिक्कत नहीं होगा। इसी जगह में Realme बाजी मारता है, 6.4 इंच का फुल HD प्लस सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है। तो मल्टीमीडिया कंज्यूम करने के लिए Realme आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा। अगर आप ज्यादा मूवी ज्यादा गाना वगैरह सुनते हो या देखते हो आप लोगों को ये फोन मजा देगा सुपर AMOLED डिस्प्ले की वजह से। ऊपर से 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी देखने को मिलता है, तो यहाँ पे भी स्क्रॉलिंग में भी मजा आएगा। और आउटडोर में भी इस फोन को मैंने यूज किया हूँ, इसका ब्राइटनेस काफी अच्छा है। लेकिन एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, बजट में बहुत सारे लोग सुपर AMOLED डिस्प्ले वगैरह उतना ज्यादा पसंद नहीं करता है। मैं ऑफलाइन मार्केट विजिट करता रहता हूँ तो वहाँ पे बहुत सारे लोगों को देखा हूँ बोलते हुए कि यार वो फुल HD वगैरह छोड़ दो, मुझे बड़ा स्क्रीन वाला फोन दो। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को बड़ा स्क्रीन फोन पसंद है, तो उन लोगों को शायद Tecno Pova 4 पसंद आएगा डिस्प्ले के मामले में। लेकिन डिस्प्ले के मामले में विनर तो Realme ही रहता है। परफॉर्मेंस में आओगे यहाँ पे बाजी पलट जाता है। हालांकि दोनों ही फोन में MediaTek का Helio G99 चिपसेट मिलता है, लेकिन दोनों फोन का जो Antutu स्कोर है वो अलग-अलग है। Realme के फोन में 295,000 Antutu स्कोर आया है और Tecno के फोन में 350,000 के आसपास Antutu स्कोर आया है। दोस्तों यहाँ से आप लोग पता लगा सकते हो प्रोसेसर तो सेम है, लेकिन जो ऑप्टिमाइज है वो Tecno अच्छी तरीके से किया है। और ये जो Antutu स्कोर आप लोग देखे हो ये बस एक बार टेस्ट नहीं किया हूँ, 3-4 बार टेस्ट करने के बाद ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को Antutu स्कोर में भरोसा नहीं है, उन लोगों को परफॉर्मेंस देखना रहता है। तो चलो अगर मैं आप लोगों को परफॉर्मेंस भी दिखाऊँ ना, तो परफॉर्मेंस में भी Tecno Pova 4 आगे जाता है। मैंने Tecno Pova 4 में कंटिन्यू बहुत टाइम तक गेम प्ले किया हूँ, लगभग 5-6 घंटे तक मैं इसका बैटरी ड्रेन टेस्ट कर रहा था सिर्फ पबजी खेलकर। सिर्फ Tecno के फोन में नहीं, Realme के फोन में भी मैंने सेम बैटरी ड्रेन टेस्ट किया हूँ पबजी खेलकर। तो जो परफॉर्मेंस है वहां पे Tecno Pova 4 कमाल परफॉर्मेंस करता है। अगर आप कंटिन्यू 2-3 घंटे खेलोगे नहीं तो कोई लैग GTR फ्रेम ड्रॉप वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा, स्मूथली मिलेगा। हाँ जब आप लोग 4-5 घंटे तक खेलने जाओगे उसी टाइम शायद आप लोगों को थोड़ा सा लैग वगैरह देखने को मिल सकता है और Tecno Pova 4 स्लाइटली हीट अप भी हो जाता है कंटिन्यू जब आप लोग 4 घंटे तक खेलोगे। एक गौर करिएगा, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू 2 घंटे तक खेल रहे हो उस टाइम हीट हो रहा है ना, इस टाइम हीट नहीं होगा। लेकिन जब आप लोग 4 घंटे के आसपास खेलने जाओगे शायद उस टाइम आप लोगों को हीट अप हो सकता है। मेरे यूनिट में हीट अप हुआ था। लेकिन उसी जगह में Realme के फोन में देखोगे शुरू में जब आप पबजी खेलने जाओगे पबजी खेल ही नहीं पाओगे, इतना ज्यादा लैग होता है। लैग तो छोड़ दो, मूवमेंट भी बहुत ज्यादा, मतलब इतना लैग, इतना जिटर, इतना फ्रेम ड्रॉप मैंने देखा नहीं हूं। Helio G99 के साथ बहुत सारे स्मार्टफोन आया है और सारे स्मार्टफोन में अच्छा परफॉर्मेंस मुझे मिला है, लेकिन इस फोन में पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा लैग होता है। Realme के फोन में एक हिडन चीज है, अगर आप कंटिन्यू 4 घंटे तक खेल रहे हो फोन हीट हो जाता है लगभग 43 के
आसपास पहुंच जाता है। अगर आप लोगों को वो वीडियो देखना हो, कार्ड में या डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, कंटिन्यू जहां पे मैंने पबजी खेला था वो वीडियो आप लोग चेक कर लेना। 4 घंटे के बाद 44-43 के आसपास पहुंच गया था, लेकिन लैग वगैरह नहीं हो रहा था। 4 घंटे के बाद मैंने ये महसूस किया हूं, 4 घंटे कंटिन्यू मैंने जब पबजी खेला हूं उसके बाद मैं जब खेल रहा था तब उतना ज्यादा लैग वगैरह महसूस नहीं हुआ था। लेकिन शुरू में जब आप लोग गेम स्टार्ट करोगे 2-3 घंटे तक बहुत ज्यादा लैग होगा, आप खेल ही नहीं पाओगे। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। अगर आप लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूं हमारे गेमिंग चैनल का, या वीडियो का भी लिंक डाल दूंगा, उस सारी वीडियो देखकर आप लोग पता लगा सकते हो। तो परफॉर्मेंस वाइज टेक्नो को मैं पहले रखना चाहूंगा। सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं, रैम मैनेजमेंट में भी बढ़िया रोल प्ले करता है यहाँ पे टेक्नो पोवा। टेक्नो पोवा 4 में 8GB 128GB वेरियंट देखने को मिलता है। एक ही वेरियंट है, 12,000 में मिलता है। और इसका रैम मैनेजमेंट मत पूछो, मक्खन है। बहुत सारे एप्लीकेशन को जब आप लोग ओपन करोगे कुछ टाइम के बाद भी अगर आप चेक करोगे रैम मैनेजमेंट टेक्नो पोवा 4 का, हर एक एप्लीकेशन सही ढंग से रैम में रहता है और उसी जगह से ओपन होता है जिस जगह से आप छोड़ते हो। ये बहुत बढ़िया है। लेकिन रियलमी ऐसा नहीं है। रियलमी के फोन में 4GB 64GB वेरियंट मिलता है 14,000 में, और इतना रैम मैनेजमेंट बुरा है क्या ही बताऊ। मैंने बहुत सारे एप्लीकेशन को ओपन किया था, उसी टाइम मैंने जब रैम मैनेजमेंट में चेक किया कोई भी एप्लीकेशन रैम में नहीं था। अगर आप पबजी खेलते हो ना या कोई भी गेम खेलते हो, गेम के अंदर तो जा रहे हो, लेकिन जब आप लोग बाहर आके कुछ काम वगैरह करके फिर से गेम के अंदर जाओगे, आप चाहते हो कि उसी जगह से गेम ओपन हो जिस जगह से छोड़े थे, यार ऐसा नहीं होगा, फिर से रिलोड होगा। मेरे साथ रियलमी के फोन में बहुत ज्यादा हुआ है। तो अगर आप ये फोन ले रहे हो ये बात ध्यान में जरूर रखना। कई बार रियलमी के फोन में एक चीज मैंने नोटिस किया हूं, बहुत सारे एप्लीकेशन को ऑटोमेटिकली किल करके रैम से ही गायब कर देता है। ये मैंने नोटिस किया हूं रियलमी के फोन में, बहुत बार मेरे साथ हुआ है। बैटरी में भी बहुत ज्यादा डिफरेंस है। टेक्नो पोवा 4 में 6000 mAh का बैटरी देखने को मिलता है, और कंटिन्यू अगर आप स्क्रीन ऑन टाइम यूज करोगे, पबजी वगैरह खेलने जाओगे, मैं पबजी खेल का टेस्ट किया था तो 7 घंटे के आसपास पहुंच गया था स्क्रीन ऑन टाइम। रियलमी के फोन में 5000 mAh का बैटरी देखने को मिलता है, और इसका जो स्क्रीन ऑन टाइम वो भी 6.5 घंटे के आसपास है। दोनों फोन का डिटेल बैटरी डेंटेस्ट करके दिखाया हूं आप लोगों को, मेरे गेमिंग चैनल में अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वो सारे वीडियो एक बार चेक कर लेना ताकि आप लोगों को क्लियर तरीके से समझ में आ जाए। कोई भी फोन खरीदने के लिए जा रहे हो तो सब कुछ क्लियरिटी होना बहुत जरूरी है, तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक डाल दूंगा। चार्जर भी अलग अलग है। रियलमी के फोन में 33W का फास्ट चार्जर मिलता है, और इसका मैं चार्जिंग टेस्ट भी किया हूं, फुल चार्ज होने के लिए 1 घंटा 18 मिनट के आसपास लगता है। उसी जगह में टेक्नो पोवा 4 में 18W का चार्जर दिया है, तो 2.5 घंटे के आसपास लगता है फुल चार्ज होने के लिए। चलो कैमरा के बारे में बात करते हैं। टेक्नो पोवा 4 में बैकसाइड की तरफ ड्यूअल कैमरा सेटअप मिलता है, 50MP का प्राइमरी सेंसर और 2MP का सेकेंडरी सेंसर, 8MP का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है। रियलमी के फोन में भी बैकसाइड की तरफ 50MP का प्राइमरी सेंसर है और 2MP का सेकेंडरी सेंसर, 16MP का सेल्फी कैमरा मिलता है। कुछ कैमरा सैंपल अगर मैं साइड बाई साइड आप लोगों को दिखाऊं, दोनों फोन का जो कैमरा सैंपल है वो एवरेज है। रियलमी से मैं एक्सपेक्ट किया था कि थोड़ा बहुत बेटर पिक्चर खींचे, लेकिन नहीं दोस्तों, दोनों ही फोन में सेम क्वालिटी पिक्चर आप लोगों को प्रोवाइड करता है। चाहे वो डिटेलिंग हो, डायनामिक रेंज हो, पोर्ट्रेट मोड में एज रिडक्शन वगैरह हो, हर एक सिचुएशन में ठीक ठाक पिक्चर खींच लेता है दोनों ही फोन। सेल्फी कैमरा में दोनों ही फोन ज्यादा ब्यूटी नहीं करता है, क्वालिटी भी काफी अच्छा है सेल्फी कैमरा में। स्काई को भी एवरेज तरीके से मेंटेन करता है, हाँ उतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं करता है जब बैकग्राउंड में स्काई रहता है, लेकिन एवरेज दोनों ही फोन परफॉर्मेंस करता है। टेक्नो पोवा 4 में एक प्लस पॉइंट है, वीडियो रिकॉर्डिंग आप 2K 30fps तक रिकॉर्डिंग कर सकते हो, जबकि रियलमी के फोन में बस फुल HD 30fps का ही ऑप्शन है। टेक्नो के फोन में और भी बहुत सारे फीचर्स है, जैसे कि जब आप लोग सेल्फी कैमरा खींच रहे हो तो फ्लैश लाइट जलाकर सेल्फी कैमरा खींच सकते हो, डुअल फ्लैश लाइट दिया है सेल्फी में टेक्नो के फोन में, जो रियलमी के फोन में नहीं है। टेक्नो के फोन में और भी बहुत सारे फीचर्स देखने को मिलता है इसके हाई ओएस के वजह से। टेक्नो के फोन में हाई ओएस यूआई रन करता है और रियलमी के फोन में रियलमी यूआई रन करता है। तो टेक्नो के फोन में आप लोग कॉल वगैरह रिकॉर्ड कर पाओगे कोई भी अनाउंसमेंट के बिना। गूगल डायलर में क्या होता है, कॉल रिकॉर्डिंग करते हो तो सेकंड पर्सन को पता चल जाता है, लेकिन टेक्नो के फोन में ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ व्हाट्सएप में किसी से ऑडियो कॉल में बात कर रहे हो तो उस कॉल में वॉइस चेंज करके भी बात कर सकते हो। तो ये सारे छोटे मोटे फीचर्स टेक्नो के फोन में भर भर के देखने को मिलता है। दोनों फोन का मैं अलग अलग रिव्यू किया हूं, उसका भी लिंक मैं कार्ड में या डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हो। देखने के बाद आप लोगों को क्लियरिटी और भी हो जाएगा और आप लोग पता लगा सकते हो कि कौन सा फोन बेटर है आप लोगों के लिए। डिटेल रिव्यू भी है अलग अलग। बात किया जाए कौन सा फोन बेस्ट है, देखिए दोस्त साफ साफ बता देता हूं, अगर आप लोगों को ज्यादा मल्टीमीडिया कंज्यूम करना हो, 14,000 के अंदर अच्छा फोन जिसमें मूवी वगैरह देखने में मजा आए, कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह अच्छा हो, बस मल्टीमीडिया कंज्यूम करने के लिए रियलमी को पिक कर सकते हो। अगर आप लोगों को डिस्प्ले में कोई भी शिकायत नहीं रहता है, एचडी के साथ आप कंफर्टेबल रहना चाहते हो, तो टेक्नो के पास देखिए दोस्तों, इसका बहुत सारे
सारे प्लस पॉइंट है, जैसे कि 8GB का रैम है उसके वजह से रैम मैनेजमेंट तगड़ा है। परफॉर्मेंस में भी रियलमी को पीछे छोड़ दिया है। डिजाइन में मत ही पूछो, इसका डिजाइन सुपर्ब है। बजट में अलग डिजाइन प्रोवाइड करता है, यूनिक डिजाइन है। बैटरी भी पावरफुल है, 6000 एमएच का बैटरी है। उसके साथ साथ बहुत सारे फीचर्स है, तो मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। अभी आप देखिए कि आप कौन से सेक्शन में आते हो और उसी के हिसाब से आप लोग डिसाइड कर सकते हो कौन सा फोन आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, शेयर करना और हाँ सब्सक्राइब कर लिया करो। हम लोग ऐसे मेहनत करते हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। और आप लोग कमेंट बॉक्स में फीडबैक डालना मत भूलिएगा कि किस तरीके से हम लोग हमारे वीडियो को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले फ्रेश वीडियो में।